आई पी का 8 किलो का वॉशिंग मशीन है तो 16 से 17 कपड़े इसके अंदर डालना है, छोटे बड़े करके 16 से 17 कपड़े इसके अंदर आपको ऐड करना है। यहाँ सबसे पहले तो आपको डोर यहाँ से ओपन करना है, डोर ओपन करने के बाद इसमें 70% कपड़े डालने हैं, 30% जगह खाली रखना है, ठीक है। तो ये रबड़ है, रबड़ के बराबर ही कपड़े डालना है, तो 16 से 17 कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं फुल लोडिंग में। इसके बाद कपड़े को चेक करके डालना है, सेफ्टी पिन, स्क्वाइन, चाबी वगैरह सब चेक करके डालेंगे और खुले करके कपड़े एक एक करके खुले कपड़े इसके अंदर डालना है, ठीक है। कपड़े डालने के बाद डोर बंद कर देना है, डोर बंद नहीं रहेगा मशीन चालू ही नहीं होगा, हाँ डोर एरर बताएगा, डोर नहीं बंद रहेगा तो डोर एरर बताएगा, मशीन चालू ही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे डिजिटर है, ये प्री वाश है और ये मेन वाश है, ठीक है। ज्यादा गंदे कपड़े हो थोड़ा लिक्विड यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर रेगुलर के रूटीन के कपड़े आपके घर घरेलू कपड़े होते हैं, ऑफिस वाले कपड़े होते हैं, कम गंदे कपड़े होते हैं, एक ही साइड आपको डालना है लिक्विड, ठीक है। ज्यादा गंदे हो तो दोनों साइड, और बीच वाला खाना है कंफर्ट शॉपनर करने के लिए रहता है, ब्लू वगैरह घड़ी करते हैं ना। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, इसको बंद करने के बाद कपड़े डाले लिक्विड डाले यहाँ से पावर करना है। यहाँ से पावर करने के बाद पहला ऑप्शन आता है आपका मिक्स ऑयल, मिक्स ऑयल में आपको ठंडे पानी में धुलेगा, इसमें कोल्ड पानी रहता है, टेम्परेचर इसके अंदर कोल्ड रहेगा मिक्स ऑयल में, और इसके अंदर आपको 3-3.5 किलो कपड़े डाल सकते हैं, 1000 RPM की स्पीड में चलेगा, ठीक है। टोटल 1 घंटे 9 मिनट टाइमिंग रहता है इसके अंदर, और मिक्स ऑयल प्लस में इसमें एक्स्ट्रा दे देता है, इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, प्रोग्राम एक ही है, इसमें भी 8 से 9 कपड़े डाले, ये दोनों एक ही प्रोग्राम है, ठीक है, मिक्स ऑयल और मिक्स ऑयल प्लस है, तो दोनों एक ही प्रोग्राम है। इसमें क्या रहता है कि इसमें कोल्ड रहता है और इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, प्लस में 40 डिग्री टेम्परेचर और इसमें कोल्ड रहता है, ठीक है। और इसमें आप 8 से 9 कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं, और प्लस इसमें देखिए टाइमिंग इसमें ज्यादा रहेगा, प्लस में ज्यादा रहता है, 1 घंटा 38 मिनट टाइमिंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक में लेडीज वाले कपड़े होते हैं जिसे सिंथेटिक स्पेशल सिंथेटिक कपड़ों के लिए रहता है, और इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उसमें आपको 3.5 किलो कपड़े रहेंगे, 800 RPM की स्पीड में चलेगा, 1 घंटे 53 मिनट टाइमिंग देता है इसके अंदर। कॉटन नॉर्मल में आपका रेगुलर के रूटीन के कपड़े 8 किलो कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं, 16 से 17 कपड़े इसके अंदर फुल इसके अंदर वाश करना है, ज्यादा कपड़े हो तो इसके अंदर आपको वाश करना है। इसमें भी आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे जितना रहता है, 2 घंटे 38 मिनट टोटल है, 2.5 घंटे का टाइमिंग देता है, 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसमें, कॉटन में आपका 2.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कॉटन इको प्लस में बेडशीट चादर हैवी कपड़ों के लिए रहता है, चादर कॉटन की चादर हो गया हैवी कपड़े, तो इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है, और ये आपका 2 घंटे 30 मिनट इसके अंदर चलेगा। डायरेक्ट आपको कपड़े ही ड्राई करना हो और सुखाना हो तो इसके अंदर 16 मिनट में डायरेक्ट ड्राई हो जाएगा, सुखा देगा, 70% इसके अंदर कपड़े ड्राई करेगा, ठीक है। टेप क्लीन में क्लीनिंग पाउडर आता है साफ करने के लिए मशीन को, हाँ। इसके बाद रिंग्स प्लस स्पिन में डायरेक्ट आपको जैसे बाहर से कपड़े पलाड़ के रखे हैं, भिगो के रखे हैं टब में, थोड़ा बाहर से हैंड वॉश करके इसके अंदर डाल लेंगे तो कपड़े को खंगालेगा और कपड़े को सुखा देगा। इसमें दो बेबी वेयर में छोटे बच्चे वाले कपड़े होते हैं जैसे ऑयल वगैरह वाला कपड़े होता है, तो इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और आपका इसमें देखिएगा 800 RPM की स्पीड में चलेगा, और 2 घंटे 3 मिनट टोटल टाइमिंग देता है, 3 kg कपड़े इसके अंदर आएंगे। उलेज में गर्म कपड़े आ जाएगा आपका, स्वेटर ब्लैंकेट वगैरह, ठीक है। इसमें 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 54 मिनट टोटल टाइमिंग रहेगा, 2 किलो कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं। एंटी एलर्जन में मेडिसिन वाले कपड़े, बैक्टीरिया वगैरह वाले कपड़े होते हैं, मरीज वाले कपड़े, इसमें भी 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 किलो कपड़े आएंगे, ठीक है, 3 kg कपड़े इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद बल्किंग बेडिंग में आपका मखमल वाला चादर होता है ना, रेशम वाली चादर होता है, बेडिंग के अंदर आपको 2 kg कपड़े आएंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको वॉश करना है। और क्रेडल वॉश में आपको रिंग वाले पर्दे हो गए, जाली वाले पर्दे, सोफा के कवर, लहंगा घाघरा चुनरी होती है डायमंड वाले कपड़े, इसके अंदर वॉश करना है, ठीक है। इसमें 2 किलो कपड़े आएंगे, 400 RPM की स्पीड में चलेगा टोटल।
एक्स्ट्रा सॉस में कम गंदे कपड़ों के लिए, हल्के फुल्के गंदे कपड़े हो तो इसके अंदर वॉश करना, आधे घंटे में आपके कपड़े धुल जाएंगे। 1200 RPM की मशीन है, ठीक है, तो इसमें सब में 1000 RPM, 600 RPM, 800 RPM की स्पीड सब में सेट ही रहता है। यहाँ एक्स्ट्रा आपको करना हो तो प्लस माइनस यहाँ से आप स्पीड इसका स्पिन स्पीड कम कर सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आरपीएम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर में 40-60 degrees सब में सेटी रहता है, 20-40 जो भी रहे सब में सेटी रहता है इधर। और यहाँ पे अलग से करने के लिए दिया है टेम्परेचर, अगर यहाँ से आपको करना हो तो यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कोल्ड करना कोल्ड कर सकते हैं, अगर जितना चाहिए अपने हिसाब से आप टेम्परेचर ले सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन, ऑप्शन में देखिएगा, पहले ऑप्शन आता है प्री वॉश, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से आपको ऑप्शन लेना होता है और यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ 3 सेकंड में सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्री वॉश में ज्यादा गंदे कपड़े हो तो आपको डीडी ट्रे में दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है सोक, सोक क्या करेगा, इसके अंदर 15 मिनट कपड़े को भिगो कर रखता है, यहाँ इसके अंदर भिगो के कपड़ा 15 मिनट रखेगा। इसके बाद आता है स्ट्रारिंग में कपड़े, इसके अंदर 2 बार मशीन कपड़े खंगाल ही देता है, आपको 3 बार खंगालना हो तो यहाँ पे स्ट्रा कर सकते हैं। रिंग होल्ड में अगर कपड़े इसके अंदर नहीं सुखाना हो तो क्या करेंगे, रिंग होल्ड कर देंगे तो इसके अंदर पानी नहीं निकलेगा, पानी को ड्राई नहीं करता है, ठीक है, पानी इसके अंदर नहीं निकालेगा और कपड़े आपको पानी में ही पड़े रहेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर कपड़े नहीं सुखाएंगे तो रिंग होल्ड कर देना है। इसके बाद आता है आपका टाइम सेवर, मान लो इसके अंदर टाइम सेवर में दिया 3 घंटे 20 मिनट दिया तो आपको टाइम इसके ओछा करना है, कम करना है तो यहाँ से करेंगे टाइम सेवर पे जाके। ये तो मैं बता दें, मेरे की तो मेरा टाइम अभी आ गया 2 घंटे 6 मिनट, ठीक है, तो यहाँ से कोई जिसमें टाइम सेवर दिखेगा उसी में टाइमिंग कम होगा, नहीं तो टाइम कम नहीं होगा, ठीक है। अब डिले स्टार्ट में आपका अलार्म घड़ी जैसा रहता है, सेम टू सेम अलार्म घड़ी जैसा रहता है, तो क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिले कर लेना है, यहाँ पे डिले लिए 3 सेकंड में यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट हो गया। अभी हमने यहाँ पे टाइमिंग डाल दिया है 2 घंटे का टाइमिंग डाल दिया है, इसके बाद कपड़े लिक्विड डालने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अब ये 2 घंटे के बाद ही मशीन चालू होगा, ठीक है, डिले माने लेट होता है, लेट चालू होगा, ठीक है। इसके बाद कपड़े धुलने के बाद आपको क्या करना है, ये रिंग जो रिंग होता है अच्छी तरह से हाफ क्लीन कर देना है, साफ करना पड़ता है,